गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द अकांक्षा इंटरनेशनल स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिंदी चैप्टर 10, लालची कुत्ता। तो लुक एट द ग्रीन बोर्ड ऑल ऑफ यू, टेक आउट योर हिंदी नोटबुक, लिसन टू मी ऑल ऑफ यू। क्लास फर्स्ट चैप्टर 10। क्या नाम है चैप्टर का? लालची कुत्ता। ठीक है, आपको सबसे पहले यही काम करना है, डे टू डे मेंशन करनी है और चैप्टर का नाम लिखना है और नंबर डालना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फर्स्ट काम होता है शब्दार्थ करने का, तो हम इसका शब्दार्थ कर लेते हैं। पहले शब्दार्थ लिखेंगे नोटबुक में और ऐसे ही फर्स्ट नंबर लगा के देखिए लिखा हुआ है आकाश। आकाश का हो जाएगा पोज। नेक्स्ट देखिए दे रखा है सेकंड वाला आपके परछाई। परछाई का हो जाएगा छाया। नेक्स्ट दे रखा है थर्ड वाला आपके भूखा। भूखा का हो जाएगा जिसे भूख लगी हो। नेक्स्ट देखिए आपके फोर वाला लालच। कोई चीज पाने की बहुत ज्यादा इच्छा। वन लाइन में वन ही करना है। ठीक है, वन पेज में पूरे शब्दार्थ आ जाएंगे आपको। ठीक है, पाने की ओके, यह पूरा शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। तो पेज नंबर 68, ओपन योर बुक। पेज नंबर 68 क्या है लेसन आपके? लालची कुत्ता। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। किसी गांव में एक कुत्ता रहता था, उसका नाम था गोलू। यानी एक गांव था, वहां पे एक कुत्ता रहता था, उसका क्या नाम था? गोलू। ठीक है, वह बहुत भूखा था और वह क्या था? बहुत भूखा था। ठीक है, खाने की तलाश में वह इधर उधर घूम रहा था। यानी भूखा होने के कारण खाने की तलाश में वह इधर उधर घूम रहा था। आगे देखिए, उसे कहीं से एक क्या मिल गई? हड्डी मिल गई। कुत्ते को, गोलू नाम के कुत्ते को क्या मिल गई? एक हड्डी मिल गई। वैसे ही वो भूखा था तो इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा था, तो उसको क्या मिली? एक हड्डी मिली। वह बहुत खुश हुआ। क्या हुआ? हड्डी मिलने से बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर इससे खाऊंगा। उसने क्या सोचा कि मुझे तो खाने को कुछ मिल गया, मुंह में लिया और भाग निकला कि मैं तो इसे कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर खाऊंगा। मुंह में हड्डी दबाए वह चला जा रहा था। मुंह में हड्डी को पकड़े हुए वह व्यक्ति से चला जा रहा था। रास्ते में एक पुल आया, पुल के नीचे नदी बह रही थी। रास्ते में क्या हुआ? एक पुल आया और पुल के नीचे क्या थी? रिवर यानी नदी बह रही थी। गोलू को नदी के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। गोलू को क्या दिखाई दिया? कि वो नदी थी, पानी है, पानी में अपना सैम दिखाई दे रहा, परछाई दिखाई दे रही थी। ठीक है, शैडो बन रहा था वहाँ पे आगे। अरे वाह, ये क्या, यहाँ भी एक कुत्ता है और उसके मुंह में भी एक हड्डी का टुकड़ा। उसने मन ही मन लाल, मतलब उसने क्या सोचा, उसने जब रिवर में देखा नदी में पानी में उसकी सैम परछाई नजर आ रही थी, तो उसने मन में सोचा कि अरे वाह, यहाँ पे भी कुत्ता है और उसके मुंह में भी एक हड्डी है। ठीक है, उसके मुंह में भी एक हड्डी का टुकड़ा है। ठीक है, उसके मन में लालच आ गया। और क्या हुआ? उसके मन में भी लालच आ गया। गोलू ने सोचा क्यों ना मैं इस हड्डी को भी ले लूँ, उसने हड्डी को छीन लूँ। ठीक है, यानी एक कुत्ता है, इसकी हड्डी को भी मैं छीन लूँ जो रिवर में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरे कुत्ते को डराने के लिए वह क्या हुआ? रिवर में जाकर रिवर के पास खड़ा होकर भौंका। जैसे ही वह भौंका, उसका मुंह खुला और हड्डी छपाक से नीचे पानी के अंदर चली गई। और क्या हुआ?
वह भूसी अड्डी को पाने के लिए जो देखो परछाई में सैम उसकी परछाई में वो सोच रहा था कि एक और डॉग है उसके मुंह से मैं वो हड्डी ले लूं ताकि मेरे पास दो हड्डी हो जाएगी खाने के लिए। तो उसने लालच किया और वह जाकर रिवर के पास भोंकने लगा तो उसके मुंह में जो हड्डी थी वह उसी रिवर में जाकर गिर गई और मुंह खुला और हड्डी छपाक से नीचे पानी के अंदर चली गई। मैं देखता ही रह गया। लालच में पड़कर भोलू अपनी हड्डी भी खो बैठा, यानी जो एक हड्डी थी वह उसको खो दिया। उसने लालच किया कि दूसरी हड्डी भी मिल जाएगी जबकि वो उसकी परछाई थी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं लालच एक बुरी बला है, यानी लालच नहीं करना चाहिए। लालच में हर काम बुरे होते हैं। लालच से बहुत, जैसे कि डॉग ने देखिए लालच किया उसको कोई एक हड्डी भी नहीं मिल पाई, यानी उसका पेट भी नहीं भर पाया। ठीक है, उसने सोचा वो जो सेकंड डॉग है उससे भी मैं वह हड्डी ले लूं, लेकिन वह परछाई थी इसी मारे वह नदी के पास जाकर भोंका और वह हड्डी उसमें पानी में गिर गई। ठीक है, इसीलिए इसने लालच किया तो वह भूखा रह गया। लालच एक बुरी बला है। लेसन का यही मीन्स निकलता है। आप भी इस लेसन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ आपको एक काम और करना है, जब जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पीछे वाला जो अपना कोर्स है उसको रिवीजन में करते रहिए। ठीक है, जैसे कि ए की मात्रा के शब्द, आ की मात्रा के शब्द, ई बड़ी, ऊ बारह खड़े, जो भी हमने आज तक किया है उनको रिवीजन करते रहिए ताकि हमारा बेसिक भी चलता रहे। ठीक है, थैंक यू।